अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल ने ठीक ठाक हो? उम्मीद करता सारे ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आया से अपने दोस्त की तरफ दुबई अल खेल गेट। ओके, मेरे रूम के जेडे ना दो तो तीन मुंडे छुट्टी चले गए ऑलरेडी, तो मैं रूम के कला। तो मैं क्या भी अज ना उधर चल के सुनने दोस्त के कोल आए से, खाना शाना खाधा, हम इतों पीवेंगे अं चाय। मैं आया सुबह अपने दोस्त नाल, मेरे नाल ही उत्तर काम करता है ड्यूटी पर, एक ही जगह पर करते हैं। उनकी गड्डी तो जरा मैं आ गया से इधर, तो खाना शाना खा के हूँ असं इतना पीवेंगे चाय। तो चाय पी के तो उस दोस्त का कर रहे वेट, वो आएगा तो उन्हें नाल ही असी जावे ड्यूटी के एक साथ ही, इंशाल्लाह नाल नाल जुड़ के रहना। आज की वीडियो देखते हैं की जोड़े ना सहूलियात ने किमें का सफर रहा सा। हाँ जी, की खा तो लिया और खा ला नहीं, और मज़े की बात है मेरा दिल कर रहा है ना जो मैं इस एरिया में आके अपना रूम का सेटअप करूं। इधर से मेरा जो है ना ड्यूटी आने जाने का टाइम बहुत बचता है, ठीक है। अगर उधर से जहां मैं रहता हूं अलबर्शवान में, उधर से ड्यूटी जाना आना टोटल तीन घंटा आने जाने में मेरा जो आना लग जाता है। इधर से मैं सुबह आया हूँ उस दोस्त के साथ, 15 मिनट में मैं इधर पहुँच गया, ठीक है। और उधर से मेरे को 1.5 घंटा लगता है घर आने में, और इधर से ड्यूटी जाने में 1.5 घंटा जाने के लिए, 1.5 घंटा आने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर ही कहीं ना शिफ्ट हो जाऊँ इधर इस अल खेल गेट में। हाँ भाई, हेलो, मेरे लिए रूम ढूँढा। और जो है गए मैं वेकेशन छुट्टी पे पाकिस्तान, और जैसे आते हैं ना उनके साथ बातचीत करके तो इधर ही शिफ्ट होने का जो है ना फैसला करते हैं। इधर मेरे को बैठने दिया, थक गया हूँ मैं, इधर शिफ्ट हो जाऊँ। हो जा, मैं तुमको मना करता हूँ। मेरे लिए रूम ढूंढ। अच्छा सा तो और क्या, गंद में रहना मैंने नहीं, अच्छा सा ढूंढ ले, अच्छे से पैसे लगने हैं तो अच्छा हो तो दे, उधर भी तो दे रहे हैं ना। उधर भी अच्छे नहीं दे रहे, अच्छा नहीं दे रहे, 600 दरम दे रहे हैं, अच्छा नहीं का। हाँ, इधर कितने हैं तो लगना पूरे रूम का जना, तो 2000 दरम। तो फिर क्या हुआ, उधर से तो कम ही है ना फिर भी। लेकिन एक कमरा अच्छा मिल जाएगा, कमरा तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन सबसे दिक्कत जो है ना काम पे जाने की आने की टाइम। काम तो ना किया करना, दिक्कत तो खत्म, 3 घंटे पर बाद हो जाते हैं। काम तो ना किया कर, तो रूम अच्छा लाया। तो भाई फैसला यही किया है, इधर ही रूम लेना है, ठीक है, इधर ही देंगे ला के रूम। उधर से मेरे को बहुत परेशान, अभी पीछे इतना पूरा 1.5 हफ्ता मैं जलील हुआ हूँ। उधर मेरी तरफ में इतना पानी था ना, मेट्रो चल रही थी ना बस चल रही थी, इधर ही दूसरे दिन ही हर चीज़ चलने लग गई थी, मेट्रो बस कार लिफ्ट, लोग ड्यूटी आ रहे थे जा रहे थे, ठीक है। मैं पूरा हफ्ता जो है ना पिछला जलील हुआ हूँ, आधा सब पैदल चल के सफ़र तय करता था, आधा मैं अगर बस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो भी पैदल ही तय करना पड़ता। तो फाइनली डिसीजन ले लिया इधर ही रूम लेने का, देखते हैं फिर। अभी वेस्ट कर रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं दोस्त का, वो आता है तो फिर इंशाल्लाह चाय शाय पी के तो ड्यूटी निकलते हैं। सो चलो, गाड़ी आ गया हमारी, इसके ऊपर बैठ के तो हम जाएँगे ड्यूटी के ऊपर, ये हमारा दोस्त है, ठीक है। ऑलरेडी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, गाड़ी के अंदर लाइट नहीं है। हेलो भाई साहब, मोबाइल की लाइट चलाई हुई है। तो आगे रास्ता है, अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ड्यूटी चालू करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं पेट्रोल पेट्रोल पंप के ऊपर। चलो जी, हमने गाड़ी से उतर गए हैं, अभी जा रहे हैं मॉल के अंदर ड्यूटी। हेलो भाई साहब। हेलो हेलो, ये हमारे कार लिफ्ट वगैरह मिलती हैं ये एरिया, वो अभी हम जाएंगे मॉल के अंदर। ऊपर से चले नीचे से चले? ऊपर से चले, नीचे से चलना। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो। दुबई का बड़ा बड़ा गाड़ी है ये, है निशान पेट्रोल लेक्सिस।
ये बहुत बड़ी पार्किंग है भाई दुबई मॉल की। एक दफ़ा तो गाड़ी पार्क करके अंदर मॉल से वापस आके गाड़ी मेरे को आसानी से ढूंढ के दिखा दे, वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। वही तो। हाँ, इधर का यही जो बड़ा लफड़ा है। सोया नहीं, नींद पूरी नहीं, काम कैसे नहीं, काम तो करेंगे जब आ गए तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। इधर से अपना चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, मॉल के अंदर एंट्रेंस हो गए, ठीक है अभी चलते हैं ड्यूटी सीधा। क्या बात है भाई, क्या आते ही नेट ऑन कर लिया? आते ही नेट ऑन कर दिया, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है। देख सकते हैं दुबई मॉल के अंदर का सीन। ये रात का इतना है, 10:30 हो गए हैं ऑलरेडी रात के PM। तो चल के मिलते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, ये हम ये जिसके जा रहे हैं ये दुबई का सबसे बड़ा है दुबई मॉल। दुबई मॉल के अंदर बहुत पब्लिक है। जाने का अंदर से कुछ नहीं, ये है वो सीन। तो अभी हम ड्यूटी पे जो है ना पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अभी व्लॉग का यहाँ पे एंड नहीं करते, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आते ही भाई साहब ब्रेक मिल गई मेरे को, ठीक है। तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि आप लोगों को ये बुर्ज खलीफा के ना जो उस वाली साइड है उस तरफ नहीं दिखाई। आज चल के ना उधर का विज़िट करते हैं, और ना ही मैं खुद गया हूँ पहले कभी भी। आज चलते हैं इस तरफ जाके देखते हैं उस तरफ क्या सीन है, क्या मतलब कि घूमने फिरने वाली क्या स्पेशल चीज़ है उन्होंने बनाई उधर, उधर चल के देखते हैं। तो मैं आया हूँ इधर से, इधर भी इतना कुछ खास नहीं है। और सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, उस ब्रिज से उधर से चढ़ना है और इधर से उतर के इधर वापस आ जाना है इस तरफ, ठीक है। ये मतलब कि होटल है कोई, ये उसके लिए एंट्रेंस बनाया हुआ है। और ये पानी है, ठीक, पानी के अंदर तो जा नहीं सकते गुजर के। उधर से पुल से चढ़ो, उधर से उतरो, जिसने होटल में जाना है होटल में जाए, नहीं तो इधर वापसी रास्ते में इधर वापस आ जाए। तो चलते हैं अभी उधर हमारे वापसी जहाँ से हम आए हैं। चलो यार, इसी वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।